नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें आज हम दम आलू बनाएंगे। गर्मियों में लोगों को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ग्रेवी वाली सब्जी क्या बनाई जाए, तो उसी में आज मैं आपके साथ दम आलू की रेसिपी शेयर करूँगी, और जिसमें मैं लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालूँगी। तो अगर आपके घर में लहसुन प्याज नहीं दिखाया जाता है तो भी आप ये सब्जी बना करके और इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं दम आलू। और हाँ दोस्तों, मुझसे कमेंट्स में लोगों ने पूछा है कि मैं संडे के लिए ऐसा क्या बनाऊं कि जिससे पेट काफ़ी देर तक भरा रहे, क्योंकि संडे का जो ब्रेकफास्ट होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है, हम लोग लेट उठते हैं, हमारे सारे काम लेट होते जाते हैं। तो ये जो दम आलू की रेसिपी है, इसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और इससे पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। इसको आप पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं दम आलू। यहाँ मैंने 3 लाल मिर्च ली है, सूखी लाल मिर्च, और इसको हमें तोड़ के इसका बीज निकाल देना है इस तरह से। देखिए, बीज हम अच्छी तरह से निकाल देंगे, नहीं तो जो हम सब्जी बनाएंगे वो काफ़ी तीखी हो जाएगी। और इस तरह से हमें इसका बीज निकाल देना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से इसका बीज निकाल दिया है। अब इसको हम थोड़े से पानी में भिगा देंगे और बाद में हम इसका पेस्ट बना लेंगे। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पे हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने आधा चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 1/4 चम्मच यहाँ खड़ा जीरा, 5 से 6 काले मिर्च, 1 छोटी इलायची, आधी यहाँ मैंने बड़ी इलायची ली है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और आधा चम्मच सौंफ। इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हम इसको 1 मिनट तक के लिए ही गैस का फ्लेम लो करके और इसको हम भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, करीब 1 मिनट हो गया है और ये अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल करके और इसका हम पाउडर बना लेंगे। दम आलू बनाने के लिए यहाँ मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं। अगर आपको ये छोटे वाले आलू नहीं मिलते तो आप बड़े वाले आलू को आधे आधे टुकड़े में कट करके भी बना सकते हैं। और इसको मैंने बॉयल कर लिया है, इसको हमें बस 80% तक के लिए ही बॉयल करना है। ये देखिए इस तरह से, और इसका मैंने छिलका निकाल दिया है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। आप अगर सरसों का तेल नहीं खाते तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। तब तक जो आलू हमने बॉयल करके इसका छिलका उतारा था, उसमें फोक की मदद से हम इस तरह से छेद कर देंगे कि जिससे जब हम इसको ग्रेवी में डालें तो ग्रेवी अच्छी तरह से आलू के अंदर चली जाए। ये देखिए इस तरह से हमें इसको छेद कर देना है। चलिए देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें आलू को इसमें में डीप फ्राई करना है। इस तरह से ये देखिए दोस्तों, आलू को हमने डीप फ्राई कर लिया है इस तरह से। अब चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों, अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू को फ्राई किया था, तेल मैंने आधा निकाल दिया, करीब इसमें 3 चम्मच तेल हमने छोड़ा है। अब चलिए, अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच जीरा लिया है और 1/4 चम्मच यहाँ हमने हींग लिया है। यहाँ मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, उसको हम इसी तरह से तेल में डाल देंगे। और 1/4 चम्मच यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है। जो दम आलू में जो कलर आता है वो इसी से आता है। ये देखिए, अब जो यहाँ पे हमने लाल मिर्च भिगाई थी उसको उसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। साथ में जो हमने मसाले सारे ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच अदरक का पाउडर लिया है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप इसमें अदरक को कूट कर भी डाल सकते हैं। चलिए, इसको करीब हमें 1 मिनट तक भूनना है।
चलिए ये देखिए करीब एक मिनट हो गया है। यहाँ मैंने 3 चम्मच दही लिया है जिसको मैंने इस तरह से छन्नी पे रख के इसका पानी निकाल दिया है और इसको हम इसमें डाल देंगे। और आपको तो पता ही है कि अब आपको अपने हाथों को जल्दी जल्दी से चलाना है, गैस का फ्लेम हम हाई पे कर देंगे कि जिससे कि दही फटे ना, और इसको हमें अच्छी तरह से मसाले में मिला देना है। जब तक एक उबाल नहीं आता है तब तक हम अपने हाथों को रोकेंगे नहीं, और दही को हमें फटने से बचाने का बस यही एक तरीका होता है। इस तरह से हम अपने हाथों को जल्दी 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 चलाएंगे। ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया है, और ये देखिए अब दही को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। इसको हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए भी पकाना है। ये देखिए दोस्तों करीब 2 मिनट हो गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाला है, और फिर हम इसमें करीब 1/2 गिलास पानी और डालेंगे। इसमें करीब मैंने 400 ml पानी डाला है, अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। चलिए अब हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं, और जो यहाँ पे हमने आलू बॉयल करके और जो इसको मैंने तल के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो और मीडियम के बीच में करके करीब इसको हमें 10 मिनट तक पकाना है, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। चलिए ये देखिए करीब 15 मिनट इसको मैंने पकाया है, और ये देखिए आपको तेल अलग लग रहा होगा। आलू दम बनके तैयार है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है ग्रेवी वाली सब्जी को तुरंत नहीं सर्व करते हैं। अब हम इसको करीब ढक करके 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। आप इसके साथ पूड़ी पराठा कुछ भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।